तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता शर्मा, मन की बातें मन के काम। तो देखिए, मैं हो गई हूँ रेडी शादी में जाने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे किसी शादी में जा रही हूँ। तो आज है तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का विवाह है, उनकी शादी है और हमारे मंदिर में ये फंक्शन आयोजित किया जा रहा है और मैं वही जा रही हूँ। आज एकादशी भी है, तो सभी लोगों को तुलसी विवाह और शालिग्राम विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकॉन के साथ कीजिएगा, जब भी कोई नया वीडियो आएगा तक आ जाएगा। फटाफट बोल गई ना मैं, चलिए कोई नहीं, तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में और चलते हैं मंदिर शालिग्राम भगवान और तुलसी जी की शादी में। ये देखिए, तुलसी की तैयार शादी की तैयारी हो चुकी है, ये चेयर वगैरह लगा दी गई है। बारात आने की देर है, तैयारी पूरी हो चुकी है। तैयार है बारात में जाने के लिए। तुलसी विवाह के लिए ही, तुलसी विवाह के लिए। अच्छा, ये मतलब बारात निकलेगी? नहीं, बारात निकलेगी, बारात इसके तुलसी का पौधा रख के फिर ही लगवाई जाएगी। ओके, तो उसके बाद फिर विवाह होगा उसका। हाँ जी, तो देखिए तैयारी हो चुकी है बारात जाने के लिए और आप लोग भी बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। बाराती भी बैठे हैं। ये बाराती बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए, मेरी फ्रेंड कल्पना की बेटी के दामाद ने बेटी को गाड़ी की गिफ्ट दी है, तो ये कल्पना है। बेटी कहाँ है? बेटी कहाँ है? हेलो। तो ये देखिए इनकी न्यू गाड़ी है, ये गाड़ी आई है न्यू, और आज ही इनका शुभ मुहूर्त है। सास का लाड दिख रहा है। बीच में बनेगा, अगर बनेगा ऐसे ही रख दो, ऐसे ऐसे फूल बहुत है। ये दो चौकी क्यों लगाई है? एक शालिग्राम जी के लिए ना, और एक एक तुलसा जी के लिए। अच्छा, तुलसा जी भी रखेंगे ना अपन? हाँ हाँ, अभी तुलसा जी और शालिग्राम दोनों वहीं जाएंगे ना। हाँ, इनको रखनी पड़ेगी। देखिए, बरातियों का स्वागत हो रहा है नाश्ते के साथ। ये सारे बराती नाश्ता करने लगे हुए हैं, आराम से वेट कर रहे हैं। तो बराती नाश्ता कर रहे हैं, हम लोगों ने नाश्ता दे दिया है बरातियों को। शालिग्राम भगवान के बराती आ गए हैं, बराती अभी जन्माष्टमी में है, जन्माष्टमी में नाश्ता कर रहे हैं, अभी नाश्ता करके निकलेंगे, तो नाश्ते में लगे हुए हैं। ये देखिए, बरात की मस्ती शुरू हो चुकी है। ये देखिए, कब तक हम तेरे तो दोनों ही तो कहीं नहीं जाते। और ये देखिए, शालिग्राम जी दूल्हा बन गए हैं, उनकी तैयारी हो गई है बैठने की। तो जीता ने शालिग्राम जी को बिठा दिया है, ये शालिग्राम जी को बिठा दिया है। ये देखिए हमारे शालिग्राम जी, ये थोड़ा सा शालिग्राम जी वो वाला चौकी भी रख लीजिए ना।
अभी तो कौन सा जरूरत है वो भाई उधर पीछे रख के आरती की थाली रखी उसने, आरती की थाली नीचे रख देंगे ना, नीचे नहीं वो गिरने गुरने का चौकी में ऊपर रहेगी, रखी रहेगी, सबको दिखाई देगी। और इनकी पालकी चली है सालिग्राम जी की, तैयार होके निकलने वाली है बस थोड़ी देर में। और ये देखिए सारी तैयारी हो चुकी है, पालकी निकलने वाली है सालिग्राम जी की, तो थोड़ी देर में उनके बारात पूरी हमारी सोसाइटी में फेरी लगाएंगे, तो सारे लोग आ चुके हैं, बाकी लोगों का वेट हो रहा है और तुलसी मैया वेट करेंगे सालिग्राम जी का जब तक हम उनकी बारात लेकर आते हैं। और देखिए बारात के लिए सालिग्राम भगवान के लिए घोड़ी आ चुकी है, तो हमारी घोड़ी तैयार खड़ी है, ये देखिए शानदार घोड़ी, भगवान को बिठाएंगे अभी इसमें। काफी ट्रैफिक हो गया है हमारी बारात की वजह से, देखिए काफी ट्रैफिक हो रहा है, बारात चल रही है तो काफी ट्रैफिक हो रहा है। Oh,
प्रतीक्षा कर रहे हैं बारात की। तो दरवाजे पे बारात आ चुकी है सालिग्राम भगवान की। आ जाइए थोड़ा सा भैया। और ये देखिए तुलसी भैया की माँ करो निभा रही है गीता जी। दरवाजे पे बारात नहीं रुक रही है। टीका करवा लो पहले, टीका कर दो। दरवाजे पे टीका होता ना, यहीं पे टीका कर दो पहले। ले बेटा सालग्राम जी को उतराई पकड़। फोटो स्क्रीनशॉट से लेना। अभी उधर अभी ले जाए अच्छा मांगेंगे। तो ये देखिए स्वागत स्वागत हो अब यहाँ से सुपुर्द कर दिया है लड़की के फैमिली वालों को। चौकी लाओ, चौकी 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 पहले चौकी आने दो। गीता रुको, गीता मेरा बरना आया है, मेरा बरना आया है, बने के शीश का सहरा, बड़ी दूरों से आया है, खुशी से पहन लो बरना, ये शुभ दिन आज आया है, ये शुभ दिन आज आया है। और ये देखिए मंडप सज रहा है, तैयारी हो रही है, बारात आ चुकी है। थोड़े लड़की वाले ढीले पड़ गए, मंडप सजाया नहीं। तो ये देखिए सज रहा है मंडप। अब खड़ी पंडित जी कर रहे हैं शादी की तैयारी। वहाँ से दो चुकी थाली उठा ली और ये हवन की तैयारी है, फेरों की तैयारी होगी। तो ये लोग सब बैठ रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। बारात आ चुकी है, इसमें अभी आ गई है, बाकी लोग बैठे हुए हैं। देखिए और तुलसा जी को देखिए, थोड़ी सी मेहंदी लग रही है आज, ही सब कुछ हो रहा है, हमारा अंतिम मेहंदी सब आदि है। तो तुलसा जी को मेहंदी लग रही है, उसके बाद सबको लगाएंगे मेहंदी। और दोनों को भी लग रही है, अच्छा दोनों को लग रही है। ये देखिए भगवान को भी मेहंदी लग रही है। नहीं, एक जना दूल्हा दुल्हन को जैसे पहनाते हैं ना, वैसे पहनाना है। तो ये देखिए जयमाला का प्रोग्राम हो रहा है इनका, भगवान का। और हमारे यहाँ ओरिजिनल दूल्हा दुल्हन आ गए हैं, आज इनकी एनिवर्सरी भी है। तो पहले इनसे ऐसे सुनो ना, पहले इनसे रुको पहले इनसे हाथ लगवाओ, इनको छुआओ। हाँ, उनको ऐसे लगा के फिर तुलसी मैया को पहना देना। हाँ, तो ये भगवान को छुआ के तुलसी मैया को माला पहना दी गई है। ऐसे तुम इनको छुआ के उनको पहना देना। और ये जयमाला का प्रोग्राम हो चुका है और ये ओरिजिनल हस्बैंड वाइफ आज इनकी एनिवर्सरी भी है। और ये देखिए तुलसा जी को लग रही है हल्दी, थोड़ी सी भगवान को भी लगा देना। तुम भी लगा दो। तो हल्दी हो गई है, लग गई है। और ये देखिए तैयारी इधर चल रही है शादी की। इधर सारे लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी से शादी शुरू हो जाए, ये सभी लोग वेट कर रहे हैं। देखिए शादी शुरू हो चुकी है। बोलिए सब लोगों के शिवाय नमः। ओम नारायण नमः। कन्यादान कहते हैं यहाँ, कन्यादान कहते हैं।
यहाँ लोग कन्यादान बोल देते हैं पर पुजारी होती नहीं। और ये देखिए पैर पूजाई का प्रोग्राम चल रहा है, सारे लोग पैर पूज रहे हैं। हाँ, तुलसा माता का, तुलसा माता के पैर। ये बोला लड़का लड़की माता पिता है, ये लड़की के माता पिता बने हैं दोनों। कन्यादान करेंगे दोनों ये, अभी इनका गठजोड़ा होगा दोनों का। पंडित जी गांठ जोड़वाओ दोनों की। मैं जोड़ूंगी। और अभी फेरे की तैयारी होगी, इसलिए हम शामिल हो चुका है, हमने शुरू कर दिया है। बाकी सभी लोग बैठे वेट कर रहे हैं। आहुति जो डलती है वो है ये। हाँ चलिए भाई सामग्री लीजिए, आप लोग भी तो दोनों डालोगे। ओम जय केतानी पचयन्ति हस्तानि खंगिरः तेषां गुं सहस्रयोजने धनवान् तन्मति। तीन परिक्रमा में आप आगे जाएंगे, चौथे में ये आगे जाएंगे। जय तीर्थानि पचयन्ति। अब दुल्हन आगे हो जाएगी और दूल्हा पीछे हो गया है। देखिए तुलसा माता आगे हो गई है और दूल्हा जी पीछे हो गए हैं। शालिग्राम भगवान पीछे हो गए हैं, देखिए इधर देखो। अब यहाँ रख दीजिएगा, अपने अपनी जगह में इनको रख दीजिएगा और बैठ जाइए सब लोग। और बारात से वर पक्ष की और लड़की वाले की शोभा बनती है। तो अब जैसे फेरे पड़ रहे थे तो सर्वप्रथम शिव जी से पहले तो आप सभी ऋतुओं में मेरा पालन कर। और ये सात वचन हो रहे हैं। दूसरा वचन मांगा मेरे खान पान की व्यवस्था कर। अगर आप गाय भैंस घोड़ा ऊंट गाड़ी बंगला कुछ खरीदते हैं या यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं तो उसमें भी मेरी सहमति है। अगर आप कहीं गुप्त धन छिपा के रखते हैं, लॉकर वगैरह है, अकाउंट वगैरह है, तो उसकी भी जानकारी आप मुझको दे करके रखेंगे। और सातवां वचन कहा उन्होंने कि सखी मध्य हाश्यम न बदित। अगर मैं सखी सहेलियों के साथ में बैठी हूँ और हंस बतला रही हूँ, आप कहीं से आ जाते हैं तो मुझे वहाँ डांट दे सकते। आज्ञा भंगो न कर्तव्य बर मांगत बरांगना। उद्याने नाम दोपहर, उद्यान नाम अर्धरात्रि और उद्यान नाम बगीचे का। सब देख लेकिन अर्थ कितने हैं। उद्यान का मतलब अर्धरात्रि, उद्यान का मतलब बगीचा और उद्यान का मतलब। तो अगर आप मतलब रात्रि में अगर या दिन में कहीं आपको जाना है तो आप अकेले नहीं जाएंगे। अगर आप रास्ता में जा रहे हैं और आगे से कोई नशा पी करके व्यक्ति आ जाता है, उद्याने और मध्य पानी का, मान लो कोई बिल्कुल जो है ना हाथी आ गया, गेंडा आ गया, तो बोले ऐसी स्थिति पड़ जाए तो अपना रास्ता बदल दीजिए। पितृगर्भ गमनेन चा, अगर आप पिता के घर भी जाएंगे तो भी मुझसे आज्ञा लेके जाएंगे। तो तुलसी जी ने कहा कि देखिए ऐसा है कि भाई को राखी बांधने तो बहन जाती जाती, बोले आप राखी बांधने जा सकते, पति से बिना पूछ के लिए आप राखी बांधने आप जा सकते। अब वो कहते हैं कि उद्यान में मध्य पानी का पितृगर्भ गमनेन चा और आज्ञा भंगो न कर्तव्य।
हे देवी, कभी मेरी आज्ञा को भंग नहीं करना, कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। अगर इन चार वचनों का पालन करो, सुनो बहुत बोलती है तुम। मतलब तुलसी जी ने कहा कि आप कहते कि उद्यान में अकेली मत जाना, अगर मान लो रात्रि का समय आप घर में नहीं है, अब घर में मान लो कोई आपदा खड़ी हो जाती है ऐसी, या अग्नि प्रचंड हो गई जैसे हवन कुंड में प्रचंड हो रही है, तो क्या करूं मैं, ऐसे में जल के मर जाऊं या घर के बाहर जाऊं? तो नारायण ने कहा इसी स्थिति में आप घर से बाहर जा सकती हैं। तो तुलसी माँ ने ये चार वचन स्वीकार किए और नारायण और तुलसी ने दोनों ने वचन स्वीकार किए। अब आप जो है ना सब लोग आशीर्वाद देंगे इनको। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। अब ये देखिए इनका रास्ता बदल, जगह बदल गई है, तुलसी जी शालिग्राम की जगह बदल दी गई, ये देखिए जगह बदल गई है। चलो भैया, बोले आप लोग क्या नाम है? ज्योति ज्योति हाँ लारी। और शादी देखिए लगभग सम्पन्न हो चुकी है, सभी लोग बड़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सभी लोग। और इधर पैर हाथ से जोड़ रहे हैं सभी लोग। इधर देखिए नाश्ते की तैयारी हो रही है, इधर प्रसाद भी रखा गया है। ये देखिए बेटा अभी सब मिलेगा, ये बनाना इसको दे दो, बनाने दे दो। ये कचौड़ियां हैं, ये प्रसाद, ये लो चलो अभी आप खाओ। तुलसी विवाह और अच्छे से संपन्न हो चुका है, सब लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये देखिए सब लोग प्रसाद ले रहे हैं। और ये था हमारा तुलसी विवाह का संपन्न हो चुका है, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा अरेंजमेंट रहा हमारा। देखिए और भंडारी का भी प्रसाद दिख रहा है आपको, सभी लोगों को प्रसाद दे रहे हैं। तो कैसा लगा हमारा तुलसी विवाह का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर।